आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करने वाला गेट के 2020 के जो भी क्वेश्चंस हमारे पास में मेमोरी बेस्ड हमारे पास में मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, हम लोग उन पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड फेब को जो हमारे पास में पेपर हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन का, मैकेनिकल का और ईसीई का, ठीक है, तो उनके क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके जितने भी क्वेश्चन मेरे पास में कलेक्ट हुए हैं मैं उनको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। चलिए तो बात करने वाला हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, फॉर द मैट्रिक्स 3x3 हमारे पास में एक मैट्रिक्स गिवन है, हैज आइगन वेक्टर। हमसे पूछा गया एक मैट्रिक्स गिवन है 3x3 का, उसका जो आइगन वेक्टर है उसके बारे में हमसे पूछा गया कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा आइगन वेक्टर उसका पॉसिबल है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास में ये आपको याद होगी कि x इक्वल टू लैम्डा x, जो कि मैंने बहुत बार अपने लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास में ए क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, x हमारे पास में आइगन वेक्टर होता है, लैम्डा आइगन वैल्यू है और x हमारे पास में आइगन वेक्टर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, अगर मैं डिटरमिनेंट की बात करूं तो वो क्या है देखते हैं। सो 1 इंटू माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद आएगा हमारे पास में 1 माइनस 0 को मैं 1 ही लिखता हूँ, प्लस 0। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास में माइनस 1 और यहाँ पे आएगा प्लस 1। ठीक है, तो ये मुझे 0 मिल रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, 0 है। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास में आइगन वैल्यू की क्या होती है, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की 3 आइगन वैल्यूज होंगी मैं उसे बोलता हूँ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। ठीक है, और डिटरमिनेंट मुझे क्या मिल गया है, 0। मैं बोल सकता हूँ कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो मिलाकर क्या मिलेगा हमें, 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इन तीनों में से एटलीस्ट कोई एक ऐसा नंबर होगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, इन तीनों में से कोई एक एलिमेंट 0 होगा, लैम्डा 1 या फिर लैम्डा 2 या फिर लैम्डा 3, जैसे कोई एक एलिमेंट 0 होगा तभी ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास में इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा। ठीक है, और हमारे पास ये प्रॉपर्टी हमको याद है कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है, मैंने लेक्चर्स में काफी बार डिस्कस किया। इसका मतलब क्या है, हमारे पास में लैम्डा इक्वल टू 0 एक आइगन वैल्यू पॉसिबल होगा हमारे पास में यहाँ पर केस में। ठीक है, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को यहाँ पर रखूं, ए ए जो कि हमारे पास में लिखा है 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 1 और 0 माइनस 1 और 1। ठीक है, और एक्स की जगह पे हमारे पास में अभी मैंने कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, लैम्डा की जगह पर अगर मैं 0 रख दूं, ठीक है, जो कि हमारे पास में यहाँ मैंने फाइंड आउट किया, और यहाँ पे ऑप्शन बिठा के अगर मैं चेक कर दूँ तो हमारे पास में आंसर हमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए के थ्रू चेक, अगर हम ऑप्शन ए जो हमारे पास में, अगर मैं उसे चेक करूँ तो हमारे पास में देखिए क्या मिलता है। अगर मैं पहले वाले रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस 1, ठीक है, जो मैं 0 दे देगा, और इस साइड में अगर हमारे पास मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 मिलेगा। तो दैट मीन्स हमारे पास में, उसके फिर अगर आप सेकेंड रो को ट्राई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा सेकेंड वाला जो रो है 1 माइनस 2 प्लस 1, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, दैट मीन्स यहाँ पर भी 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है। तो ये मैंने फर्स्ट वाला एलिमेंट लिखा और सेकेंड वाला एलिमेंट, दैट मीन्स सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास में ये वाली, जो हमारे पास में x की वैल्यू है जो आइगन वेक्टर है और लैम्डा की वैल्यू जो 0 है वो सेटिस्फाई कर रही है ऑप्शन ए में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाकर हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास में लैम्डा इक्वल टू 0 क्या है, एक आइगन वैल्यू है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर लिया, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स जो हमारे पास में ये प्रॉपर्टी है, इसको लगाकर हमने जस्ट ऑप्शन को चेक कर लेंगे तो हमारे पास में जो ऑप्शन करेक्ट है वो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप नेक्स्ट जो हमारे आने वाला पेपर है, सीधा फिर सिविल का हो या इलेक्ट्रिकल का हो, तो उन सारे पेपर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में वो डिफरेंशियल का मुझे दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 9 वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं उसे लिख दे रहा हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 9 वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारे सेकंड ऑर्डर का एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जस्ट इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हम तैयार कर दे रहे हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू 0,
ये हमारे पास में आ गया ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वेशन ठीक है। उसके जस्ट मैं इसका क्या करूंगा, रूट निकालूंगा। तो हमारे पास में इसका रूट क्या आ जाएगा, हमारे पास में अगर कॉमन ले लूँ, हमारे पास में 3 लैम्डा और यहाँ से 3 लैम्डा प्लस 9 ठीक है। तो इसमें लैम्डा का कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस 3 और यहाँ पर भी आ जाएगा लैम्डा माइनस 3 ठीक है। तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर लैम्डा माइनस 3 आ गया, तो यहाँ पर लैम्डा माइनस 3 आ गया ठीक है। इसका मतलब क्या, हमारे पास में लैम्डा इक्वल टू 3 और 3 आ जाएगा, हमारे साथ रिपीटेड रूट का केस आ गया, रिपीटेड रूट्स वाला केस आ गया। हमारे पास में एक ही रूट है जो कि है 3, वो रिपीट हो रहा है दो बार। तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू सी वन ई रेस टू द पावर 3x प्लस सी टू एक्स ई रेस टू द पावर 3x, ये होगा हमारे साथ सॉल्यूशन। इसी में से अगर हम ई रेस टू द पावर 3x को कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं सी वन प्लस सी टू एक्स ठीक है, जो कि हमारे पास में सी वन प्लस सी टू एक्स ऑप्शन ए जो है हमारे पास में वो दिख रहा है। देखिए सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू होल ब्रैकेट के साथ में ई रेस्ट टू पावर 3x जो कि हमारे पास यहाँ पे आया ठीक है। तो जो हमारा आने वाला सिविल का पेपर है वहां पर आपको इस तरह क्वेश्चन दिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारे पास में सिविल के पेपर में सेकेंड ऑर्डर का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिखा था ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है। चलिए चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में डिफरेंशियल का क्वेश्चन है, वो भी लीनियर का ठीक है। तो ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है dy ओवर dx इक्वल टू y माइनस 1 इनटू x ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, इसका सॉल्यूशन पूछा गया है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा ठीक है। तो हम जस्ट इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। dy अपॉन y माइनस 1 को मैंने नीचे ले आया ठीक है, और यहाँ पर x dx मैंने लिख दिया। तो हमारे पास में अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में यहाँ पे आएगा लॉन y माइनस 1 में लिख सकता हूँ ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, सॉरी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इंटीग्रेट कर दिया मैंने प्लस 3 ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया सॉल्यूशन। अब हमसे पूछा गया यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में दिख रहा है 0.5, मैं 1/2 को 0.5 लिख दिया मैंने ठीक है, प्लस सी लॉन वाई माइनस 1 ठीक है। हमारे पास में दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू को 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा हमारे पास में, लॉन 1 हमारे पास में क्या हो जाएगा, लॉन यहाँ पर 0 आएगा, 1 माइनस 1 0, तो लॉन 0 हमारे पास में आ जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पर जब हम लॉन 0 की वैल्यू हमारे पास में जब मिलेगी तो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि हमारे पास में इनवैल्यूड हो जाएगा। तो ये हमारे पास में जो सॉल्यूशन है वो तभी वैल्यूड होगा हमारे पास में जब हमारे पास में y की वैल्यू 1 नहीं हो ठीक है। तो y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे पास में यहाँ देखिए जो ऑप्शन बी है वो खत्म और ऑप्शन सी खत्म, क्योंकि यहाँ वाई की वैल्यू 1 है ठीक है। अब देखिएगा ये यहाँ पर 2x² प्लस सी है, तो ये ऑप्शन पहले ही चला गया, ऑप्शन डी भी खत्म। तो ऑप्शन ए जो हमारे पास में है वो क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है लॉन 1 माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 0.5 का होल स्क्वायर प्लस सी, और वाई की वैल्यू क्या है, वाई इक्वल टू माइनस 1 ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ से बेसिक सा ये छोटा वाला पार्ट था, तो इसको आपको ध्यान रखना था, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में y इक्वल टू 1 y इक्वल टू माइनस 1 वाला पार्ट भी दे रखा था ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारे पास में क्वेश्चन था i इक्वल टू, ये हमारा मैकेनिकल के पेपर में आई थिंक क्वेश्चन अपीयर हुआ था ये वाला ठीक है, डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन हमारे पास में, x इक्वल टू 0 से 1 और y इक्वल टू 0 से लेकर x स्क्वायर तक एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड डी एक्स, देन इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज, हमारे पास में ये बेसिकली चेंज ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन था, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर अटेंड किया हुआ ये वाला तो काफी आसानी से आप लोगों ने कर लिया होगा ठीक है। हमारे पास में यहाँ पर क्या सीन है, देखिए हमारे पास में जो कर्व दी गई है या फिर लिमिट में जिसको बोल दूं, तो y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तक दिया गया, और यहाँ पर दिया गया x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 1 तक दिया गया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इन चारों जो लाइन्स हमारे पास में इनको प्लॉट करूंगा एक्स वाई पे पहले ठीक है। देखिए ये वाई इक्वल टू 0 की लाइन है हॉरिजॉन्टल वाली, और ये वर्टिकल लाइन है एक्स इक्वल टू 0 की लाइन है ठीक है। अब एक्स इक्वल टू 1 की लाइन मुझे प्लॉट करनी है, तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ एक्स इक्वल टू 1 का लाइन ठीक है। अब मुझे देखना एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का लाइन कहाँ पर होगा, तो ये हमारे से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y वाला जो पैराबोला होता है हमारे पास में, ये वाला सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया,
तो ये हमारे पास में कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा, ओरिजिन को कनेक्ट करता हुआ, यहाँ पर मैंने कनेक्टिंग किया, ओरिजिन को टच करता हुआ हमारे पास में क्या होगा, एक पैराबोला ऐसा बनेगा जहां पर हमारे पास जिसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास में जो ये जो स्ट्रिप ऑलरेडी बनाई गई होगी वो कहाँ से बनाई होगी, देखिए बना y इक्वल टू जीरो से लेकर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तक, y इक्वल टू जीरो से लेकर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तक, मतलब कि हमारे पास में जो स्ट्रिप है उसकी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है जीरो और टॉप मोस्ट पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। हमें क्या करना होगा, जस्ट इस स्ट्रिप को जो हमारे पास वर्टिकल है इसे क्या करना पड़ेगा, हमें हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ यही काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जस्ट फिर से हम ये वाला फिगर बनाएंगे और उसमें जस्ट स्ट्रिप की वैल्यू, स्ट्रिप का जो पोर्शन है उसे हॉरिजॉन्टल कर देंगे। ठीक है, देखिए तो ये हमारे पास में x इक्वल टू जीरो की लाइन थी और ये हमारे पास में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की लाइन है और ये y इक्वल टू जीरो की। ठीक है, तो जस्ट स्ट्रिप हमारे पास में अब कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर और टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर हमारे पास में एक्स की वैल्यू आने वाली है हमारे पास में रूट अंडर वाई, जो कि इस कर्व से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू रूट अंडर वाई हो जाएगी और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है वन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं एक्स की वैल्यू को एक स्ट्रिप के अलावा लिख रहा हूँ जो कि हमारे पास में रूट अंडर वाई से लेकर वाई एक्स इक्वल टू वन तक, और जो y की लिमिट है वो मैं यहाँ से y इक्वल टू जीरो से लेकर y इक्वल टू वन तक मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, y इक्वल टू जीरो से लेकर y इक्वल टू वन तक। ठीक है, और जो फंक्शन हमारे पास में फंक्शन वैसे ही रह जाएगा, जस्ट हम क्या करेंगे अब सिर्फ यहाँ पे dx dy लिख देंगे क्योंकि अब हम पहले x के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद फिर y के टर्म में। तो ये हमारे से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो हो सकता है ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो, बट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इसी तरह का फ्रेम हुआ था। ठीक है, जहाँ से मैंने कलेक्ट किया तो मुझे कुछ इसी तरह का क्वेश्चन दिखा तो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। तो आपको बेसिक बस पार्ट पता होना चाहिए कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इस तरह से अगर आ रहा है तो आपको ऐसे प्रोसीड करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड एट द पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई माइनस टू जे प्लस, यहाँ पे 2k होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2k में लिख दे रहा हूँ, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस 2j प्लस 2k क्या। ठीक है, तो हमारे पास में क्या करना है, इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस पॉइंट पर और इस डायरेक्शन में निकालना है। ठीक है, जस्ट हम लोग ग्रेडियंट जैसे निकालते हैं वही निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए डो अपॉन डो एक्स आई कैप प्लस डो अपॉन डो वाई जे कैप प्लस डो अपॉन डो जेड के क्या। ठीक है, फंक्शन हमारे पास में क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा हमारे पास में वाई जेड, उसके साथ में आई कैप लगा देते हैं हम, और जब वाई के टर्म में करेंगे तो एक्स जेड आएगा, जे कैप लगा देते हैं उसके साथ में, और जब जेड के टर्म में करेंगे तो एक्स वाई आएगा और के कैप लगा देते हैं। ठीक है, पॉइंट्स डाल देते हैं यहाँ पर वन माइनस वन सॉरी वन माइनस वन वन और थ्री। ठीक है, यहाँ पर y के जगह पे 1 और z के जगह पे 3 डाल देते हैं, यहाँ पे डालेंगे x की जगह पे माइनस वन, z के जगह पे 3। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे x और y की जगह पे तो आएगा माइनस वन k कैप। ठीक, तो ये आएगा हमारे पास 3 i कैप माइनस 3 j कैप माइनस k कैप। अब हम क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा इस वेक्टर के साथ में, तो मैं लिखूंगा आई माइनस टू जे, आई माइनस टू जे प्लस टू के डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 9 आ जाएगा, दैट मीन्स 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने क्या किया, इस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर वही माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो मुझे 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल एफ डॉट एन कैप, दैट मीन्स यूनिट वेक्टर के साथ में मैं क्या करूँगा, डॉट ले लूँगा। ठीक है, तो मैं डॉट ले रहा हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे साथ, 3i माइनस 3j माइनस 3k। ठीक है, क्या क्या डॉट प्रोडक्ट के साथ में आई माइनस टू जे प्लस टू के क्या। ठीक है, अपॉन थ्री हो जाएगा, रूट अंडर नाइन हमारे पास में, यहाँ पे क्या आएगा, थ्री प्लस सिक्स माइनस सिक्स, यही आएगा। तो हमारे पास में क्या आने वाला है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमारे पास में थ्री तो है नहीं, सॉरी
हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास टू, यहाँ पे टू आएगा, दैट मीन्स मिलेगा 6 3 9, 9 में से 2 गया तो 7/3, तो हमारे से क्या मिलेगा 7/3 मिलने वाला हमें, जो कि हमारे पास में ऑप्शन डी में हमें करेक्ट आंसर दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास में है प्रोबेबिलिटी के टॉपिक से। बैग ए कंटेन्स 7 रेड बॉल 3 ब्लू बॉल्स। ठीक है, तो हमारे पास में एक बैग है जिसमें हमारे पास में बैग में ए नाम दे रहा हूं मैं इसको, 7 रेड है 3 ब्लू बॉल्स है, और हमारे पास में क्या एक बैग बी है जहां पर 3 रेड बॉल है और 7 ब्लू बॉल्स है। ठीक बात, मैं यहाँ ब्लू लिख देता हूँ और यहाँ पे ब्लू लिख देता हूँ, यहाँ रेड। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इफ अ बॉल इज ड्रॉन इज रेड फ्रॉम द बैग ए। हमारे पास बोला गया है कि अगर हम एक बॉल निकाल रहे हैं और वो बॉल क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, और किस बैग से आना चाहिए, ए से। तो रेड फ्रॉम सॉरी रेड फ्रॉम ए बैग ए, रेड बॉल, सॉरी रेड मैंने रेड लिख दिया था। ठीक है, तो हमारे पास में रेड बॉल आना चाहिए कहाँ से, बैग ए से। तो यहाँ पर अगर हम बेस थ्योरम लगा देंगे तो काफी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में बेस रूल लगा रहे हैं हम, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले नीचे में लिख रहे हैं टोटल प्रायोरिटी। तो सपोज कि हमारे पास यहाँ पे 2 बैग है तो उसमें से एक बैग के आने की प्रायोरिटी क्या होगी, हाफ, और उसमें से अगर मैं चाहूँ रेड, तो मैं बात कर रहा हूँ ए से, तो बैग ए के आने की प्रायोरिटी क्या हुई, हाफ, और उसमें से रेड आने की प्रायोरिटी क्या होगी, 7/10 प्लस बैग बी के आने की प्रायोरिटी क्या होगी, हाफ, 2 बैग में से एक बैग आने की प्रायोरिटी क्या होगी, हाफ, और उस बैग में से रेड वाला आने की प्रायोरिटी क्या होगी, 3/10। ठीक है, हमसे पूछा गया ए बैग से रेड वाला आने की प्रायोरिटी, तो मैं इस वाले केस को क्या करूंगा, ऊपर रख दूंगा, दैट मीन्स हाफ इंटू 7/10, तो हमारे पास में क्या आएगा, 7/20 अपॉन 7/20 प्लस 3/20, तो हमारे पास आएगा 7/10 जो कि हमारे पास में होगा 0.7 आंसर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.7। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास में। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास में आई थिंक मैकेनिकल के पेपर में अपियर हुआ था। ठीक है, तो अ फेयर कॉइन इज टॉस 20 टाइम्स, द प्रायोरिटी दैट द हेड विल अपियर एग्जैक्टली 4 टाइम्स इन द फर्स्ट 10 टॉसेस एंड टेल विल अपियर एग्जैक्टली 4 टाइम्स इन द नेक्स्ट 10 टॉसेस। दैट मीन्स हमारे पास में क्या एक फेयर कॉइन है, उसको हम क्या कर रहे हैं, 20 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या बोला जा रहा है कि पहले 10 बार में 10 टाइम्स में से क्या आ जाए, एग्जैक्टली 4 टाइम्स क्या आ जाए, हमारे पास में हेड आ जाए, 4 टाइम्स हेड, और जो नेक्स्ट 10 टाइम्स है उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट 10 टॉसेस या फिर मैं बोल लूँ उसमें से क्या आ जाए हमारे पास में, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल अपियर एग्जैक्टली 4 टाइम्स इन द 10 4 टाइम्स इन द 10 टॉसेस फर्स्ट 10 टॉसेस एंड टेल विल अपियर इन द एग्जैक्टली 4 टाइम्स इन द नेक्स्ट 10 टॉसेस। तो हमारे यहाँ पे 4 हेड और यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 टेल आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा जहाँ पे ट्रायल जो है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 10 C4 लिख सकता हूँ, 10 बारी में से मुझे 4 बार क्या चाहिए, टेल चाहिए, टेल आने की प्रायोरिटी क्या होगी, सॉरी हेड चाहिए, तो हेड आने की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, हाफ, कितनी बारी चाहिए, 4 बार चाहिए, और बाकी के 6 बार का है क्या आया होगा हमारे पास में, टेल आया होगा, तो ये बार हमारे पास खत्म हो गया। अब हम क्या क्या कर रहे हैं, बाकी के जो 10 टाइम्स हैं उन 10 टाइम्स में से 4 टाइम्स क्या चाहिए हमें, टेल चाहिए, तो टेल आने की प्रायोरिटी हाफ रेस्ट टू द पावर 4, और हमारे पास में सॉरी हम जो बाकी का टाइम कितना क्या आया होगा, हेड आया होगा, तो हाफ रेस्ट टू द पावर 6। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यह मैं कैलकुलेट कर रखा है मैंने, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में आएगी 0.042 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाने वाला है, 0.042 आंसर हो जाने वाला है। तो इसकी वैल्यू को आप एक बार चेक कर लेंगे, तो ये हमारे से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो हो सकता है कहीं पर वैल्यूज में किसी पार्टिकुलर